साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे खिलाड़ी की जो खिलाड़ी पूरे भारत के अंदर अपना लोहा मजबूत कर चुका है, जिसका नाम है दीपक वर्मा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड झांसी जिले के दीपक वर्मा जी नगरा क्षेत्र में रहा करते हैं। यह है जूडो कराटो के खिलाड़ी हैं और प्रेजेंट के अंदर अनेक बच्चों को निःशुल्क माध्यम से बच्चों को जूडो कराटे सिखाने का कार्य कर रहे हैं। आइए, इनके पिताजी हमारे बीच में मौजूद है। आखिरकार यह दीपक वर्मा जी की कहानी कब से शुरू हुई थी, आखिरकार कौन कौन से मोड़ यह जूडो कराटो का माध्यम बना जो इंटरनेशनल तक दीपक वर्मा जी पहुंचे, उसके बीच में आकर कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियां आई थी, हमारे बीच में दीपक वर्मा जी के पिताजी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी विपरीतों से सामना करने के बाद दीपक वर्मा जी इंटरनेशनल का सफर जूडो कराटो में हासिल किया। बताइए कि आपने अपने बच्चे को जूडो कराटो के माध्यम से पूरे भारत के अंदर एक नाम रोशन कर दिया। मेरा सोच ये थी कि मतलब बच्चे को या तो पढ़ाओ या खेल में लगाओ, तो खेल में लाया किसी कारण बस इसको मतलब बीटेक नहीं कर पाया ये, तो क्योंकि इसको डकैत उठा के ले गए थे, तो वहां से ये कराटे की ही बल पर उनको मार के और छूट के झांसी आ गया अपने घर पे। कब की समय की बात है डकैत? 2009 और 10 के बीच की बात है। कहां से डकैत उठा ले गए, कैसे? हिंदुस्तान कॉलेज आगरा मथुरा हाईवे पर है जी, वहां से इनको जंगल में बिहड़ जंगल में चंबल घाटियों में लेके गए थे। 24-25 दिन इनको रखा था। अच्छा। जंजीर से बांधकर ये उनको छूट कर अपने दम पर दो डकैतों को मार के राइफल द्वारा, ये लोग तीन लोग थे, दो को मार के और तीनों भागे उधर से उनकी राइफल चुना के, ताकि हमें कोई साधन मिल जाए राइफल के दम पर और हम अपने गंतव्य स्थान पर। अच्छा, वो डकैत जो उठा ले गए थे आखिरकार क्यों उठा ले गए थे, क्या मतलब रंजिश थी, क्या कुछ बात? कुछ रंजिश नहीं थी, 30 लाख की फिरौती मांगी थी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने उन लोग को ये मालूम था कि ये संपन्न परिवार है, लेकिन ऊपर से दिखने में ये हम इसको ऐसा रखते थे लड़के को कि इसके अंदर हीन भावना ना आए, तो इसको अच्छी तरह से हम रखते थे। तो उनकी सोच ये थी कि इनका बहुत पैसा है, तो इनके एटीएम से 1,25,000 रुपए भी निकाल लिए थे और इनको 30 लाख रुपए की मेरे से डिमांड की थी। 30 लाख रुपए? अच्छा, जो आपका 30 लाख से डिमांड की थी, तो आपने प्रशासन को नहीं याद करी? प्रशासन को जानकारी उधर FIR कराई। अच्छा। पुलिस समय साथ रही, लेकिन वो मतलब डकैत हाथ में नहीं आया। जब भी हम लोगों ने छापा मारा डकैत हाथ में नहीं आया। फिर एक दिन ऐसा हुआ, 1 महीने के बाद 25 दिन के बाद में ये लोग समय निकाल कर एकता करके इन्होंने इंग्लिश में कुछ बात की और ये शौचालय बहाने जाने के बाद में उन्होंने जंजीर ढीली की, तो जी उनको वहां से आए, इन्होंने एक साथ तीनों ने हमला कर दिया। वो 5 थे, बाकी सब काम पर गए थे और उनको ये मार के 2 को मार दिया, 3 को भाग गए, 1 को खाई में पटक दिया। तो उसी मार्शल आर्ट की बदौलत ये आज बचकर हमारे पास में। आपका बच्चा इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तो आपको कितनी प्रसन्नता होती इतने संघर्ष करने के बाद इतनी ऊंचाइयों तक पाया? हमें बहुत प्रसन्नता होती जब भी इसका कार्यक्रम होता, हम पूरा सहयोग देते हैं, पूरा तन मन धन से हमारे बच्चे, हमारी फैमिली पूरी इनके सहयोग में इनके वहाँ जाती है, जहाँ भी ये लोग, जैसे अभी किसान बाजार में कार्यक्रम किया था, सीनियर इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम किया था, और भी जहाँ इसका कार्यक्रम होता है हम लोग बाकायदा जाते हैं। ऐसा न्यूज पर भी एक मेरा इंटरव्यू आया था, जब ये 2009 और 2010 में छूट कर आया था, कोरी सम्मेलन हुआ था, उसमें दीनदयाल उपाध्याय ने उपाध्यक्ष मतलब सभागृह में वहाँ पे इसको उन्होंने एक शॉल और उपहार भेंट किया था, वहाँ मेरा पूरा इंटरव्यू वहाँ दिया था मैंने। यह सफर रहा दीपक वर्मा जी का सन 2019 की है ना अंकल जी? नहीं, 2009 घटना है। दीपक वर्मा जी जूडो कराटे के माध्यम से पूरे भारत के अंदर अपना परचम लहरा चुके हैं। इनके साथ यह घटना घटी थी, यह आपको दोबारा अवगत करा दें कि जिस प्रकार से यह डाकुओं से किस तरीके से निकले हैं, किस तरीके से इन्होंने उनको वार किया है, किस तरीके से इनकी फिरौती मांगने की कोशिश, इनके पिताजी से 30 लाख रुपए मांगने, क्योंकि सुना है आपने 30 लाख रुपए मांगने की फिरौती चल रही थी। तो वाकई ये दिलेर बच्चा है दीपक वर्मा जी, जितनी तारीफ की उतनी कम। मुझे आशा है ये बच्चे आगे बढ़े और आगे बुंदेलखंड के अलावा सभी जगह नाम रोशन करें, तरक्की करें। कैमरामैन रोहित के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता झांसी।